हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विभाति क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 6 सुपर इजी हेयर हैक्स लेके आई हूँ, जिससे आपके बाल सुपर लॉन्ग, सुपर हेल्दी, सुपर थिक एंड ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हैक इज़ कॉम्बिंग बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब रात को सोने से पहले आपने कॉम्बिंग ज़रूर करनी है, अपने बाल को कंघी ज़रूर करनी है। क्या आपको पता है गाइस, हमारे बाल रात को सोते समय बढ़ते हैं। जब हम नाइट में कॉम करके सोते हैं तो स्कैल्प में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड हमारे स्कैल्प में अच्छे से पहुंचता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, आपने कॉम कैसे करना है, डिटेंगल कैसे करना है, पहले नीचे से स्टार्ट करना है, आपने एंड से कॉम करना स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे करके आपने ऊपर तक आना है। इसलिए आपने पूरे हेयर को कॉम कर लेना है, इससे आपके बाल मैनेजेबल भी रहेंगे। सेकेंड हैक इज़ बालायाम। बालायाम इज़ अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल एंड बॉलनेस। इसमें आपको नेल रब नहीं करने हैं, आपने नेल्स के ऊपर का जो टिप होता है वहाँ पे आपने रब करना है, दोनों हाथों में अच्छे से रब करना है। 5 to 10 मिनट्स डेली करना है। इससे हेयर फॉल भी कंट्रोल रहेगा एंड हेयर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थर्ड हैक इज़ मसाज योर स्कैल्प इन इन्वर्जन मेथड। मतलब हेड को डाउन करके नीचे करके आपने मसाज करना है, फिंगर टिप से आपने जेंटल मसाज करना है। इसे आपने डेली 10 मिनट्स करना है, जिससे आपका ब्लड फ्लो होगा और आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, हेयर ग्रोथ भी होगी। बाल्डनेस है तो उस पर भी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं। हैक नंबर 4th इज़ ब्रेडिंग बिफोर गोइंग टू बेड। मैं हमेशा ब्रेड बनाकर ही सोना चाहिए, मैं हमेशा ब्रेड बनाकर ही रखती हूँ। इससे बाल मैनेजेबल भी रहते हैं, सुबह उठ के देखेंगे तो आपके बाल मैनेजेबल रहेंगे और हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। अगर आप ओपन हेयर करके सो जाते हैं रात को तो आपके बाल ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, आपके बाल ब्रेकेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं, हेयर फॉल उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एंड स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। बालों को हेल्दी रखने के लिए ब्रेड ज़रूर बनाना चाहिए, स्पेशली रात को सोते समय। सो 5th हैक इज़ अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल। मीन्स आपको अब बालों को टाइट नहीं बांधना है, कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा नहीं करना जिससे आपके बाल बिल्कुल टाइट रहें, लाइक पोनी टेल जो टाइट होती है, बन होता है जो बिल्कुल टाइट होता है, जिससे आपके बाल बिल्कुल खिंच जाते हैं, खिंचना स्टार्ट हो जाते हैं, हमेशा टाइट रहते हैं, उससे आपका हेयर फॉल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और इससे आपके परमानेंट बाल्डनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जब भी हेयर स्टाइल बनाएं तो सिंपल से जो लूज़ हेयर स्टाइल होते हैं वो बनाएं, जिससे आपके बाल ज़्यादा टाइट ना रहें और ज़्यादा खिंचे ना, जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। 6th हैक इज़ डोंट रैप टॉल आफ्टर हेयर वॉश। क्योंकि उस टाइम हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा वेट होते हैं, गीले होते हैं, इसलिए टॉल से रैप नहीं करना है हमने, क्योंकि उससे जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि गीले होते हैं, कमज़ोर होते हैं उस वक्त बाल, इससे बाल खिंच सकते हैं, हेयर फॉल भी इंक्रीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो जब भी आपने हेयर वॉश करके आना है, हेयर वॉश के बाद आपने एयर ड्राई के लिए छोड़ देना है, जो भी एक्सेस वाटर है उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है पहले टैप करके, उसके बाद एयर ड्राई के लिए छोड़ देना है, नेचुरल तरीके से ही उसे सुखाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से हैक यूज़ करते हैं इन सब में से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।